नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। यूं तो सरकार बेहतर समाज और बेहतर पर्यावरण और स्वच्छ भारत को बनाने के लिए बहुत सारे मुहिम चलाई है, बहुत सारे मुहिम पे काम भी हो रही है, लेकिन मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाऊंगी जो प्रोफेशनल से तो इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर हैं, लेकिन उन्होंने एक मुहिम तैयार की है एक कदम बेहतर समाज की ओर। आपने बिल्कुल सही सुना है, वो अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, अपने जिले को बेहतर बनाने के लिए टीचिंग लाइन से हट करके अब समाज में अपना भागीदारी देने के लिए एक मुहिम को छेड़े हैं, एक कदम बेहतर समाज की ओर। और आइए मैं उनसे आज आप मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ हैं मिनराल भारद्वाज, मैं उनसे बात करूंगी जिस मुहिम को इन्होंने शुरुआत की है, जिस मुहिम की क्या क्या संकल्पों के साथ इन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है और किन किन एक्टिविटीज को इन्होंने इसमें जोड़ा है, चलिए आज में बात करते हैं। सब लोगों को मेरा नमस्कार। हमारा नाम हुआ मृणाल भारद्वाज, मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये मेरा प्रोफेशन है, पर हमारे समाज के प्रति भी हमारी कुछ न कुछ दायित्व बनती है। हर आदमी का फर्ज है कि जब हम इस सोसाइटी में पैदा लिए हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ करें। तो मैंने एक बहुत अच्छा सा लाइन सुना था कि व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर सोसाइटी यू कैन आइदर बी पार्ट ऑफ समथिंग और नथिंग। तो पढ़ाई किया, जॉब किया, तो नथिंग वाला फेज अभी काफी लंबा चला, अब समथिंग वाले फेज को अपना रहे हैं कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ न कुछ करना है। तो हमारा मानना है ना कि बच्चे जो है सो कच्चे मिट्टी का रूप होता है, तो अगर कच्चा मिट्टी को कुम्हार चाहे तो कोई भी रूप दे सकता है, कोई भी आकार दे सकता है। तो उसी तरह हम लोगों ने इस मुहिम को स्कूल से इसलिए शुरू किया है कि बच्चों को जो है सो कोई भी रूप, कोई भी आकार दिया जा सकता है, तो वैसे ही हम लोग इन्हें आकार देंगे, इन्हें जागरूक करेंगे। तो हमने अपने मुहिम का अवेयरनेस प्रोग्राम का नाम रखा है एक कदम बेहतर समाज की ओर। तो इसमें किन किन एक्टिविटीज को आपने जोड़ा है? मैम, इसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने रखा है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण अभी तो सरकार भी इसके प्रति जागरूकता अभियान चला रही है, और हम लोगों ने भी पहले पॉइंट इसी को रखा है कि हमें वृक्षारोपण के ऊपर विशेष ध्यान देना है, बच्चों को जागरूक करना है, क्योंकि यही बच्चे कल के डेट में चल के आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे पोस्ट पर काम करेंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, या खुद गवर्नमेंट भी बन सकते हैं। तो अगर इनके अंदर अभी से ये भावना हो, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और ये मान के चलें कि कम से कम हर आदमी को एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए, तो हमारे देश की आबादी में हम सोच लीजिए कि 130 करोड़ है। अगर हर आदमी इस बात को समझ ले और एक एक पेड़ लगाए तो 130 करोड़ पेड़ तो वैसे ही लग जाएगा। और क्या क्या संकल्प है आपके इस मुहिम? मैम, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने इस मुहिम में लेकर के चला है हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी, गंदगी हम क्रिएट कर रहे हैं तो सफाई करना हमारा ही काम है। तो लोगों का जनरली होता है ना कि हमने अपने घर को साफ कर लिया, मोहल्ला के लिए तो गवर्नमेंट है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर जगह सफाई जो है, अगर गंदगी है तो वहाँ गंदगी हमारे ही वजह से आ रही है, उस जगह सफाई क्रिएट करने का भी जिम्मेवारी हमारी ही है। तो हमने बच्चों को इसी के लिए जागरूक किया है कि अगर बच्चों को सिखा दिया जाए कि अगर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, आपके पास कोई रैपर है, आपके पास एक्स्ट्रा पेज है, रफ वर्क का कुछ भी है, आप उसे डस्टबिन में ही थ्रो करें। और हम लोग इस मुहिम को हर एक स्कूल में चला रहे हैं कि हर एक स्कूल में बच्चों से ही वृक्षारोपण कराना है, और बच्चों के स्कूल में डस्टबिन भी अपने तरफ से हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं, और उन्हें सिखाना है कि नहीं आप डस्टबिन को यूज़ कीजिए। वो बच्चे जो यहाँ घर पे डस्टबिन, स्कूल में डस्टबिन यूज़ करना सीख जाएंगे, अगर उनके घर पे डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो अपने गार्जियन से जिद कर सकते हैं कि पापा इसको डायरेक्ट थ्रो कर रहे हैं, इससे गंदगी होगी, हमारे घर में डस्टबिन होना चाहिए। फिर वही बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलते हैं, अगर वहाँ गंदगी उन्हें मिलेगी तो वो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे कि पापा यहाँ गंदगी है, इसके बारे में भी कुछ सोचो, इसे साफ होना चाहिए, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमें बताया गया है कि यहाँ पे बैठने वाले फ्लाइज वापस हमारे घर में आएंगे और हमें ही डिजीज कॉज करेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने इसमें लेकर के चला है स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन। तो हम अपने बेगूसराय जिला का एक सर्वे रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब करीब 175 गाँव में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है पानी में, और 34 गाँव ऐसे हैं जहाँ आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और सीवेज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक ये बच्चों में इसके लिए भी अवेयरनेस लाया जा रहा है कि कल होके वही लोग किसी न किसी संस्था में काम करेंगे, अभी से जागरूक रहेंगे तो एक बेहतर समाज के निर्माण में ये लोग हेल्प कर सकते हैं। दूसरा कि वाटर को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, अगर अपने घर में बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल धो रहे हैं तो उसे मिट्टी पर खड़ा करके धोना है ताकि वो पानी डायरेक्ट सॉइल में चला जाए, या हमारे घर में कोई गाड़ी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, देख रहे हैं कि उसमें से अगर वाइल का लीकेज है तो पापा को कह सकते हैं बच्चे, पापा इसे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, इसे ठीक करा लो। इसी के लिए हम लोगों ने बच्चों को पकड़ना ज़्यादा बेहतर समझा है। दूसरा, हर एक घर में आरओ होता है, आरओ से बहुत ज़्यादा वाटर वेस्टेज होता है,
तो बच्चों को सिखाया जा रहा है कि उस वाटर को आप कंटेनर में स्टोर कीजिए, और माँ पापा को कहिए कि नहीं इन्हीं वाटर को आप घर की सफाई में यूज़ कर लो, कार बाइक को धोने में यूज़ कर लो। चौथा हम लोगों ने इसमें लेकर के चला है कि कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास। बच्चों का बहुत ज़्यादा समय जो है फ़ोन में चला जा रहा है, तो फ़ोन के पर से बाहर निकल करके बच्चों को बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। तो अभी तो एग्ज़ाम का टाइम है, अप्रैल मंथ से हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू करेंगे, जिसके अंदर जो है सो जिसके तहत जो है सो इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट, इंटर स्कूल रेस टूर्नामेंट, इंटर स्कूल क्विज टूर्नामेंट कराया जाएगा। इसके लिए किसी भी स्कूल से कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बस स्कूल को जागरूक होना है कि हमें अपने बच्चों को भेजना है। मान लीजिए 15 स्कूल शुरू में जागरूक होते हैं, 15 स्कूल से ही बच्चे आते हैं, उसमें कुछ टीम जीतेगी कुछ हारेंगी, जो हारेंगी खेलने तो वो भी आई हैं, उनके अंदर एक इच्छा होगा कि हमें आगे जीतना है, तो वो उसके लिए प्रयास करेगी, उसके लिए मेहनत करेगी, तो वो फ़ोन से निकल के बाहर आएगी। और एक पॉइंट हम लोगों ने इस मुहिम में रखा है, मदद भाव। हर बच्चों के अंदर जो है सो अगर अभी से ये सीड को इम्प्लांट कर दिया जाए कि दूसरे को मदद करना चाहिए, तो ये मदद भाव जो है सो आगे चल के बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपके इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आपके साथ और भी कोई है? अभी तो हमारे साथ बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज है, रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय, वहाँ के छात्र इस मुहिम में हमारे साथ जुटे हैं, वो लोग यहाँ पे भी उपस्थित हैं। आगे चलिए मैं उनसे भी बात करती हूँ और उनसे भी जानूंगी कि इन मुहिम को सफल बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या संकल्प कर रखा है और वो कितना इसको सफल बनाने के लिए आगे तत्पर है। तो आज जो आपको सर ने समझाया था, क्या समझे थे आप? कि यही हमारे समाज में बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, उसे साफ करना है, तो पेड़ लगाइए। 18 हम लोग जो ऑक्सीजन रहते हैं वो 18 पेड़ पूरी लाइफ में करता है हम लोग का, तो इसलिए हमें अपना स्कूल को क्लीन रखना चाहिए, अपने समाज को क्लीन रखना चाहिए और हमें पूरे वर्ल्ड में ये सब फैलाना चाहिए ये बातें। तो ये जो अवेयरनेस की बात कही है सर ने, आप करोगे? आप पेड़ लगाओगे ना? यस। आप कितने पेड़ लगाओगे? मैम विष्णु प्रिया। आप भी इसी स्कूल से हैं? हाँ। आपके स्कूल का नाम? मदर्स प्राइड इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी एंड पब्लिक स्कूल। तो आपने क्या कुछ सीखा और क्या संकल्प लिया है आज आपने? मैंने ये संकल्प लिया कि हमें जितना पॉसिबल उतना पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा होगा और इसके कारण बहुत सारे लोग जो है, किन्हीं को लंग प्रॉब्लम्स हो रहा है, किन्हीं को स्किन डिजीज़ हो रहा है, तो उनसे बचाने के लिए हम लोग जितना पॉसिबल है उतना पेड़ लगाना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपने हर बर्थडे में एक या दो पेड़ लगाऊँ हर साल। आप लगाते हो? आपने इससे पहले लगाया है अपने? हाँ, बर्थडे पे पिछले साल लगाया था। किस चीज़ का पेड़ लगाया था आपने? मैंगो। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मदर्स प्राइड स्कूल के शिक्षक, इंग्लिश टीचर हैं। मैं उनसे बात करूंगी और उनसे ये जानूंगी कि सर ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के मृणाल भारद्वाज जी आपके स्कूल में आपके बच्चों को जागरूक करने के लिए आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये हमारे इससे हमारे बच्चे को बहुत ही जागरूकता मिलेगी। पहले हमारे बच्चे जागरूक हो गए तो देश जागरूक होगा। बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स फिर अपने आसपास के सोसाइटी में बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छी मुहिम है मृणाल भारद्वाज जी की। हाँ, आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपने घर के अंदर ही कन्फाइंड होकर रह रहा है, वो उनके इनमें उनकी गलती कहाँ तक कहा जाए ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कन्फाइंड होने से उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। अगर इस तरह का आयोजन किया जाता है, हमारे बच्चे बाहर फील्ड में जाके खेले, तो वो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग स्वस्थ होगा, और दिमाग स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ये मुहिम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, हर तरह से ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सर का जो कहना है इस तरह का, हम पेड़ लगाएंगे, हम ऐसे गार्बेज को डस्टबिन में डाल के, ये सब तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। इससे हमारे समाज को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे बच्चे ही कल के भविष्य बनेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे। ये हम इसको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। कहते हैं कि बच्चे ही कल के भविष्य है, जैसा कि आपने सुना था, सर ने बोला था कि बच्चे ही कल के भविष्य। तो इस मुहिम की शुरुआत के लिए सबसे पहले मृणाल भारद्वाज जी ने मदर्स प्राइड इंटरनेशनल स्कूल की से शुरुआत करी है उन्होंने,
और इनमें इन्होंने मुहिम की शुरुआत का ये आज पहला दिन था और नेक्स्ट दिन जो कि 22 को होने वाला है और आगे वीडियोस भी आएंगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।